नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, मेरा नाम है राजा मिश्रा और आप देख रहे हो हमारा YouTube चैनल। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप मुझे Instagram पे फॉलो करना चाहते हो तो Instagram का जो यूज़र आईडी है वो आपके स्क्रीन पर मैं आपको दिख रहा होगा, RAJAMISHRA866। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है जिस पर क्लिक करके आप मुझे Instagram पर में फॉलो भी कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज का भी लिंक दिया गया है जिस पर मैं क्लिक करके आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हो और हमारे साथ जुड़ सकते हो। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने भविष्य के बारे में पर्सनली मुझसे अपनी जन्म कुंडली अथवा हस्तरेखा के अनुसार अगर जानना चाहते हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो, जिसमें संपर्क समय है सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक। संपर्क सूत्र है आपके पास व्हाट्सएप नंबर 7062757996। इंजीनियर पंडित राजा मिथुन राशिफल 11, 12, 13, 14 और 15 मार्च का राशिफल। कुछ बड़ी खुशखबरी आपको मिलने जा रही है कुछ 11, 12, 13, 14 और 15 मार्च को। कुछ बड़ा होने जा रहा है इन सभी तारीख में से किसी एक तारीख को। आइए जानते हैं ये कैसा समय रहेगा आपके लिए। मित्रों, इस समय में आप ऊर्जा से भरे रहेंगे, जिसके चलते शिक्षा और कार्य क्षेत्र में आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अपने अस्पष्ट विचारों से अपने सहकर्मियों को सप्ताह की जो है ये शुरुआत में ही, यानी कि आपको मैं बता दूं कि 11-12 को ही आप प्रभावित कर सकते हैं। यदि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यार दोस्तों से थोड़ा सा दूरी बना के रखें। इस समय आपको अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित होने की आवश्यकता है। मित्रों, इस राशि के जातकों का मन धार्मिक कार्यों में भी लगा रहेगा और आपके लिए ये समय मिला जुला करके ठीक ठाक रहेगा। माता जी के स्वास्थ्य को लेकर के कुछ आपको चिंता हो सकती है, कुछ परेशानी हो सकती है। चिंता करने से बेहतर होगा कि आप किसी अच्छे डॉक्टर से, चिकित्सक से उनका चेकअप करवाएं। इस राशि के कुछ जातक वाहन खरीदने का विचार इस समय बना सकते हैं। इस राशि के विद्यार्थियों की बात की जाए तो पाठ्यक्रम की पुस्तकों से ज़्यादा अन्य पुस्तकें पढ़ने में इनका मन ज़्यादा लगेगा। यदि बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो इस समय आपको सोशल मीडिया से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इसके साथ ही जो जातक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनकी मेहनत भी इस अवधि में रंग ला सकती है। जो छात्र बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन्हें होली के बाद, यानी कि अब 10 तारीख को होली थी तो 11 से लेकर के पार्टी में शामिल होने से कम बचना चाहिए, और कम पार्टी में शामिल हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मित्रों, बाहर का तला भुना आपके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। खुद को तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए योगा सन का सहारा अगर आप लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वाहन चलाते समय आपकी सुरक्षा के लिए बनाई गई हर चीज़ का आप जरूर इस्तेमाल करें। थोड़ी सी आपके प्रेम संबंध की बात कर लेता हूँ, आपके प्यार मोहब्बत की बात कर लेता हूँ कि वो भी कैसा रहने वाला है। मित्रों, अपनी अंदर छुपी कला को प्रदर्शित करके इस समय आप अपने लव मेट को इम्प्रेस कर सकते हैं। आपका लव मेट भी आपकी भावनाओं का कद्र करेगा। लव मेट को लेकर यदि आपके मन में कोई गलतफहमी थी तो वह भी इस दौरान दूर हो सकती है। इस राशि के कुछ जातक प्रेम संबंध को विवाह बंधन में भी बांध सकते हैं। विवाहित जातकों के जीवन में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। जीवन साथी का गुस्सा आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। छोटी छोटी बातों को लेकर के मतभेद हो सकते हैं, इससे आपको बचना चाहिए। हालांकि घर के किसी बुजुर्ग की सलाह से आप दोनों सारी गलतफहमी को दूर कर लेंगे। तो मित्रों, यही थी आज की हमारी वीडियो। इसमें हमने मिथुन राशि के बारे में आपको ज़्यादा बताने की कोशिश की।
उम्मीद करता हूँ कि ये 5 दिन जो है मिथुन राशि वालों के लिए बड़ा ही तो अच्छा रहे, बड़ा ही अद्भुत रहे, बहुत सुंदर रहे, कुछ ना कुछ बड़ी बड़ी से बड़ी खुशखबरी आए। और अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। और अगर आप मुफ्त यानी कि एड फ्री वीडियो देखना चाहते हैं तो मिश्रा टू यू चैनल सर्च करें, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस पर मैं क्लिक करके उसको भी सब्सक्राइब कर लें, वहाँ पर मैं आपको एड फ्री बिना प्रचार का वीडियो देखने को मिलेगा। चलिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप मुफ्त में जानकारी लेना चाहते हैं, अगर आपके पास मेरी फी को देने के लिए पैसे नहीं हैं, आप सक्षम नहीं हैं, तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप मुझसे जानकारी मुफ्त में भी ले सकते हैं, फ्री में भी ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें करना क्या है कि आपको अपना नाम, अपने जिला का नाम, अपने राज्य का नाम और आपकी जो परेशानी है वो आप बताओगे। आप उसमें बोलोगे कि मैं आपके फीस को जमा करने में सक्षम नहीं हूं, और इन सब बातों को आप मोबाइल में रिकॉर्ड करके 1 मिनट से कम का वीडियो बना करके मेरे व्हाट्सएप नंबर 7062757996 पर मैं भेज देंगे, और वहां से मैं आपकी परेशानी को वीडियो में देख लूंगा और फिर मैं आपके परेशानी का यानी कि आपके समस्या का जो समाधान है वो ऐसे ही बताऊंगा जैसे अभी आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, और वो आपकी समस्या और मेरा समाधान दोनों को एक साथ मिला करके YouTube चैनल पर मैं अपलोड करूंगा, आपको वहां पे समाधान मिलेगा। हो सकता है आपकी जो परेशानी है वो देश के हजारों लाखों लोगों की परेशानी हो, तो उसका समाधान उन्हें भी मुफ्त में आपके माध्यम से और हमारे माध्यम से मिल जाएगा। तो देर ना करें, जल्द करें और हमारे व्हाट्सएप नंबर 7062757996 पर मैं अपनी वीडियो बना करके तुरंत भेजें।